अब आपको दे रखा है लिमिट x टेंस टू जीरो cosec x माइनस cot x, ठीक है। अब जब आप इसको x इज इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो cosec जीरो कितना होता है, इन्फिनिटी, और cot जीरो भी कितना होता है, इन्फिनिटी। मतलब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा है, इन्फिनिटी आ गया, मतलब अपने को कहीं ना कहीं लिमिट सॉल्व करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब लिमिट सॉल्व कैसे होगा, अब ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, cosec को क्या लिखोगे, 1 बाय साइन, cosec को लिख सकोगे आप 1 बाय साइन एक्स, और cot को क्या लिखोगे, cos, नहीं cot को लिखोगे cosx बाय, cosx बाय साइन एक्स। अब दोनों तरफ, अच्छा लिमिट ऐसे ही चल रहा है, लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन एक्स है, तो एलसीएम कितना आ गया आपका, साइन एक्स, एलसीएम आ गया साइन एक्स, ये हो गया आपका 1 माइनस कॉस एक्स एंड लिमिट x टेंड्स टू जीरो। अभी भी अगर मैं लिमिट पुट करता हूँ तो क्या हो रहा है, नीचे तो इन्फाइनाइटी आ रहा है, ऊपर भले ही जीरो आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है, इन्फाइनाइट, और कभी भी इन्फाइनाइट हमें चाहिए नहीं होता है, ठीक है। अब आपको याद है वैसे तो 1 माइनस कॉस एक्स का भी एक फॉर्मूला था लिमिट का, मैंने बताया था 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में एक्स होता है, ठीक है, तो वो बंद कर दो, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में एक्स होता है, तो उसका आंसर कितना हो जाता है, जीरो, याद है एक अपन ने करा था डेरिवेशन, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस एक्स, मतलब किसकी कमी है, अपॉन में एक्स की कमी है, और साइन में तो आपको पता है कि अपॉन में एक्स होता है तो उस जो है वो डाल देते हैं हम, तो हो जाता है, तो साइन एक्स के अपॉन में एक्स, और एक्स तो कर दिया, और यहाँ भी सिमिलरली अगर आप 1 माइनस कॉस एक्स है इसके भी अपॉन में यही कर दो आप, और इसी से फिर से एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इसमें भी कर सकते हैं अपन, बोलो इसमें कोई दिक्कत है, ठीक है। अब ये और x तो कट जाएगा, अब आपको पता है वी नो दैट डब्ल्यू के टी 1 माइनस कॉस एक्स, इसके पहले हम पढ़ चुके हैं ना, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स, लिमिट x टेंस टू जीरो का आंसर कितना होता है, जीरो होता है, और लिमिट x टेंस टू जीरो साइन एक्स बाय एक्स का आंसर 1 होता है, तो इसके रेफरेंस से अगर देखें तो x तो कट गया, ये पूरा आंसर कितना हो जाएगा, लिमिट डिवाइड कर दो सबको, ये 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, जीरो, जीरो बाय 1, जीरो आंसर आ गया। और नहीं तो फिर इसको हाफ एंगल से करना पड़ता पूरा, क्योंकि 1 माइनस कॉस एक्स को साइन में करना पड़ता, आ रही बात समझ में, 1 माइनस कॉस एक्स को किस में कन्वर्ट करते हैं, साइन में, क्योंकि फॉर्मूला लिमिट का किसका पता है, साइन का पता है, आ रही बात समझ में, तो उसमें साइन में कन्वर्ट करना पड़ता आपको पूरा, फिर इसके पहले बताया तो सही, 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 हो जाता है यहाँ पर, फिर x by 2 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड होता, करके देखना वो तुम, इसके पहले बताया सब भूल भाल गए, कल ही जस्ट किया था हमने, ठीक है, एक क्वेश्चन किया हुआ है भाई, ऐसा तो मत करो तुम, मतलब आगे पार्ट पीछे सपाट वाली स्थिति बनती रहेगी तो अपन क्या करेंगे, ये तो है ना तुरंत चेत जाना चाहिए कि अच्छा ये बात कर रहे हो क्या, 1 माइनस कॉस एक्स मतलब 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, और साइन एक्स जितने साइन है उतने आपको लिमिट लगेंगे, उतने आपको x by 2 मल्टीप्लाई और उसके डिवाइड करने पड़ेंगे, तो ये तो अब आपको दिमाग में चलना चाहिए हर बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2, नहीं तो आपका वीडियो रिकॉर्डेड है, आप देखो पीछे मुड़ के, फिर से मैंने जो करवाया है फिर से तो बताने सर आप, मैं 10 2x अपॉन, घर जाके एक बार पढ़ो क्या हमने किया है, ठीक है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है आपका पढ़ाई करने का। चलो ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, दिखने में छोटा लग रहा है आपको कि ये डायरेक्ट कर लेंगे हम इसको, नीचे तो जीरो आ गया और ऊपर भी हाँ, ऊपर x की जगह पाई बाय 2 रखोगे, 2 से 2 कैंसिल, और 10 पाई भी आपका कुछ इन्फाइनाइट वैल्यू कुछ आएगा, मैं नीचे तो जीरो आई गया ना, खैर वैसे भी आपको सॉल्व करना ही है अब, हाँ 10 को अगर हाफ एंगल में कन्वर्ट करोगे तो 10 की आइडेंटिटी क्या है, कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, ये तो जैसा तुम्हारा दिमाग चला अभी,
मल्टीपल तरीके से सोचना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी कि सब बता दो हम सब कर लेंगे। आपके जो फॉर्मूले हैं आपके पास तो फिर आप कर करके देखते हो, अब हो सकता है उससे ना हो फिर और कोई दूसरा तरीका देखना पड़ेगा। एक्चुअली यहाँ एक्स माइनस पाई बाई टू दिक्कत दे रहा है ना। अब जनरली जब एसी टर्म आ जाती है ना तो इसको वाई सब्सटीट्यूट करा करो आप, एक्स माइनस पाई बाई टू करके आता है तो उसको क्या सब्सटीट्यूट करो, वाई। पूरा क्वेश्चन अब वाई में ले जाओ, ठीक है। एक्स माइनस पाई बाई टू को क्या पुट किया, एक्स माइनस पाई बाई टू को पुट करो आप कितना, वाई पुट करोगे। वाई पुट करने से ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू टेन। अच्छा यहाँ से वाई कितना हो जाएगा, वाई तो ये आ गया, एक्स कितना होगा, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा वाई प्लस पाई बाई टू, इतना तो समझ में आता है। टेन की जगह आपने लिखा टेन, टू की जगह एक्स की जगह वाई प्लस पाई बाई टू रख सकता हूँ मैं, क्योंकि अब पूरा क्वेश्चन मुझे वाई में ले जाना है और नीचे वाई। यहाँ कोई समस्या, ठीक है। हाँ अभी एक चीज क्या कर दिया हमने, पूरा क्वेश्चन वाई में चेंज कर दिया है, बाकी लिमिट किस में बची है तो उसको भी करना पड़ेगा आपको। लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय टू गलत होगा इसको अगर मैं ऐसा रखूँ तो, मुझे लिमिट को भी क्या रखना पड़ेगा, वाई। अच्छा अगर मैं एक्स का लिमिट पाई बाय टू, एक्स का पाई बाय टू, पाई बाय टू रखूँगा यहाँ पर तो पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू तो वाई कितना मिल जाएगा, ज़ीरो। वाई कितना मिल जाएगा, ज़ीरो। तो मैं क्या रख सकता हूँ, लिमिट वाई टेंस टू ज़ीरो रख सकता हूँ। चलो अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए, टू का मल्टीप्लाई इसमें भी करो, टू का मल्टीप्लाई इसमें भी करो, टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, लिमिट वाई टेंस टू ज़ीरो टेन टू वाई प्लस पाई डिवाइडेड बाय वाई होगा। आ रही बात समझ में, टू का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में इसमें भी कर लिया और इसमें भी कर लिया तो टू से टू तो कैंसिल हो गया। अब टेन 180 प्लस थीटा क्या होता है, टेन 180 प्लस थीटा, क्वाड्रेंट के रूल बताया मैंने आपको, 180 प्लस थीटा में टेन क्या होता है, नेगेटिव होता है और 180 में चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अच्छा ऑल सिल्वर टी 180 प्लस थीटा पॉजिटिव होता है, टेन पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, टेन पॉजिटिव होता है तो इसका आंसर क्या होगा, लिमिट वाई टेंस टू ज़ीरो, मैं डायरेक्ट क्या टेन टू वाई लिख दूं अपॉन में वाई। आ रही बात समझ में, नहीं हुआ क्लियर, अरे टेन 180 प्लस थीटा तू नहीं तो बोला अभी, टेन थीटा होता है 180, यहाँ लिखो या प्लस में उधर लिखो उससे कोई फर्क पड़ता है क्या, तुमको ऐसा लिख के बताऊँ पाई प्लस टू वाई उधर, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। 180 प्लस थीटा है मतलब क्या आ जाएगा, टेन थीटा, तो थीटा आपका टू आया तो टू आई लिख दो, उससे क्या है जो अंदर होता है ना 180 के साथ प्लस में वो थीटा माना जाता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी याद आई, अच्छा अब टेन टू आई अपॉन में वाई हो गया। अब ये इस क्वेश्चन में अभी भी आंसर तो 0/0 ही आ रहा है, परंतु ये बात हुई है कि आपने ये एक्स माइनस पाई बाई टू वाले लफड़े क्या है वो सुलझा लिए, अब सिंप्लीफाई कर लिया है। अब टेन को आपको पता है कि टेन का आइडेंटिटी आपको पता था, टेन वाला आइडेंटिटी भी पता था क्या, टेन एक्स बाय एक्स क्या था, टेन एक्स बाय एक्स लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वो भी तो वन था, नहीं समझे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टेन एक्स बाय एक्स क्या वन नहीं होता है क्या, मतलब यहाँ पे टू आए तो यहाँ भी कितना चाहिए, वाई तो है केवल टू की जरूरत है, टू को मल्टीप्लाई टू को डिवाइड कर दो, आंसर आ गया टू, ये हो गया वन, आंसर कितना हो गया 1 × 2 इज इक्वल टू 2। हाफ एंगल की जरूरत हाँ नहीं पड़ी, उससे भी करते उससे भी करके तो करना पड़ता आपको, करके देखते ठीक है, ऐसा लग रहा था कि हाफ एंगल में जाएगा ये, पर वो कब जाता पता है, यहाँ पे x माइनस वाई बाई टू था ना, इसने खेल बिगाड़ा। आप हाफ एंगल भी लगाते ना तो ये हमेशा पाई बाई टू मौजूद रहता, फिर यहाँ एक्स की जगह पाई बाई टू रखते तो हमेशा जीरो आता ही आता हर बार डिनोमिनेटर में, कितना भी सॉल्व कर लेते वो तो नीचे था, हाँ इसीलिए लिमिट से ही अपन ने बदल के और कुछ ऐसा खेल खेला कि आपका आंसर प्रॉपर आ जाए। अब क्वेश्चन नंबर आपका 23, आज मुझे लगता है ये हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। 13.1 का क्वेश्चन नंबर
23 क्या बोलता है, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू जीरो f ऑफ x एंड लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x वेयर f ऑफ x इक्वल टू, वेयर f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 3 इफ x लेस देन इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 1 फॉर x ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको चेक करना है, जैसे इसका निकालना क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 आपको निकालना है, तो अगर एक पॉइंट पे निकालना है आपको, अब ये तो सिंपल फंक्शन दे रखा है आपको, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है, सिंपल पॉलीनोमियल है। लिमिट कब एग्जिस्ट होती थी याद करो, जब लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर हो, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर होना चाहिए थी, राइट हैंड लिमिट, और वही लिमिट x टेंड्स टू 0 के आंसर के बराबर भी होना चाहिए थी। वो तीनों आंसर हमेशा क्या करना चाहिए थे, कोइंसिडेंट करना चाहिए थे, मतलब वो मैच करना था, तभी आपका लिमिट एग्जिस्ट करता। अच्छा, तो आपको अभी किस पे निकालना है, x टेंड्स टू 0 पे निकालना है, किस पे निकालना है, x टेंड्स टू 0, 0 पे निकालना है। तो क्या हम पहले ऐसा चेक कर लें, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस चेक कर लें, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस चेक कर लें, और फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 पे भी निकाल लेंगे हम। हरी बात समझ में, 0 प्लस का मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा बड़ा मतलब ये फंक्शन किसके लिए वैलिड है, x लेस देन इज इक्वल टू 0 के लिए, मतलब 0 से छोटे फंक्शन, जब भी x की वैल्यू 0 से छोटी पुट करोगे, अब भले ही वो थोड़ी सी छोटी है या बड़ी छोटी, छोटी तो छोटी होती है, मतलब x लेस देन 0 माइनस के लिए कौन सा फंक्शन वैलिड होगा, 2x प्लस 3। क्या बात समझ में आ रहा है, तो मैं यहाँ पर इसके लिए जो फंक्शन यूज़ करूँगा 0 माइनस के लिए, 0 माइनस के लिए मेरा फंक्शन क्या बनेगा, 2x प्लस 3, मतलब इसमें 0 माइनस आएगा, जब मुझे 0 माइनस निकालना है तो मैं ये वाला फंक्शन यूज़ करूँगा। क्यों यूज़ करूँगा, क्यों, क्योंकि इधर बाजू में देखूँगा, इसने साफ बता रखा है कि x के वैल्यू अगर आप 0 से छोटे या उसके बराबर पुट करोगे तो ये फंक्शन लीजिएगा, 0 से छोटा होता है 0 माइनस, लेफ्ट ना, समझ गए ना, लेफ्ट हैंड लिमिट बताई थी, 0 माइनस का 0 से छोटा सा होगा, जो भी छोटा होगा, मतलब ये फंक्शन आएगा। अच्छा, 0 प्लस के लिए क्या यूज़ करोगे, माइनस यहाँ ठीक से लगा लो, 0 प्लस के लिए 0 से बड़ा, तो आप क्या ये यूज़ करोगे, 3 ब्रैकेट x प्लस 1। आ रही बात समझ में, 0 प्लस मतलब स्मॉल, थोड़ा सा नंबर जो कि स्मॉलर नंबर है, बाकी फंक्शन कौन सा यूज होगा, दूसरा वाला, ग्रेटर देन 0, 0 से ग्रेटर का मतलब क्या होता है, 0 के बाद कितना भी बड़ा नंबर हो उसके लिए ये फंक्शन यूज़ करेंगे, जो कि 0 प्लस होता है, 0 प्लस, तो 0 प्लस के लिए 3x प्लस 1 फंक्शन यूज़ करेंगे, तो इसके लिए किसके लिए वैलिड है, 0 प्लस के लिए। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 इक्वल टू 0 कब है, जब x इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू 0 है तब 2x प्लस 3 है, इस सिंबल का मतलब समझते हैं ना, लेस देन भी और इक्वल टू है, तो लेस के लिए मतलब 0 माइनस के लिए चलेगा और एक इक्वल टू 0 के लिए, ये किसके लिए होगा, ग्रेटर मतलब 0 प्लस के लिए, तो ये कितना आ रहा है आपका, कितना रखेंगे, x टेंड्स टू 0 मतलब 2x प्लस 3। अब सब में क्या रख दो आप, लिमिट 0 रख के सॉल्व कर दो, अब तो हमें 0 माइनस कुछ भी नहीं होता, 0 ही होता है, रखना तो 0 ही है, सबका आंसर कितना आ रहा है, 3 3 3, मतलब तीनों इक्वल आ रहे हैं, ठीक है, तो ठीक है, 0 प्लस 1, ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 3। क्या बात समझ में आ गई, मतलब लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट भी एग्जिस्ट करती है और आंसर भी तीनों के, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, जब भी तो हमने 3 कहा, यहाँ पे मान लो एक आध आंसर कुछ भी ऊंच नीच हो जाती,
तो हम बोलते हैं कि पहली बात तो आपने जो आंसर पूछा है उसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो बात क्लियर हो गई। अब सिमिलरली यही कार्यक्रम आपको किसके लिए करना है, x टेंस टू वन। अच्छा, ये सब अपन ने सिंपल क्वेश्चन में नहीं किया। आप देखो, जब आपको साइन एक्स बाय एक्स निकालना था तो आपने ऐसा नहीं किया जीरो प्लस जीरो माइनस और वो हरी बस वन, वो अपन ने डायरेक्ट डायरेक्ट सॉल्व कर लिए थे। क्यों? क्योंकि उसके तरीके अलग थे, इसके तरीके अलग है। ये कुछ अगर ऐसा फंक्शन दे जीरो से छोटा जीरो से बड़ा, वहाँ तो एक ही फंक्शन था बस, कोई जीरो से छोटा बड़ा ऐसा कुछ दिया नहीं था। अगर वहाँ ऐसा होता ना तो फिर वहाँ भी करना पड़ता। अब हमें किस पे चेक करना है, वन पे। चलो इसको हटाने से मैं इधर कर देता हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस पे चेक करना है, लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस पे चेक करना है, और लिमिट एक्स टेंस टू वन पे भी चेक करना है। आ रही बात समझ में? चलो अब वैसे फंक्शन डिफाइन करें तो देखें, जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा मतलब वन इसमें आएगा, वन इसमें आएगा। अच्छा, उसके बाद फिर अगला वन से छोटा, वन से जस्ट छोटा। सोच के बताओ इसमें आएगा, इससे आएगा, वन से जस्ट छोटे की बात कर रहा हूँ मैं। क्यों भैया? वन से जस्ट छोटा। अरे यहाँ से देखो आप, ये जीरो है और ये कितना है, वन है। ये फंक्शन है ग्रेटर देन जीरो के लिए, ग्रेटर देन जीरो मतलब ये पूरा ऐसा चलेगा। नहीं आ रही समझ में बात, है ना? तो वन से जस्ट छोटा किधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा। तो भैया क्या थ्री एक्स प्लस वन वाला नहीं रहेगा क्या? तो वन से जस्ट छोटा थ्री एक्स प्लस वन। आ रही बात समझ में? और वन से जस्ट बड़ा मतलब वन के जस्ट बाद में, तो यही चलेगा। मतलब वन प्लस और वन माइनस दोनों के लिए एक ही फंक्शन है, और वन के लिए भी वही फंक्शन बनेगा क्योंकि वन भी तो उसी को क्रॉस कर रहा है जीरो को। तो इन तीनों के लिए फंक्शन क्या है, सेम है, और सभी के आंसर सेम है। इसका मतलब वन पुट करोगे तो थ्री प्लस वन चार आंसर आ जाएंगे। एक्स की जगह वन पुट ही करना है, वन प्लस कुछ नहीं पुट होता है, वन पुट करना है आपको। चार नहीं, कुछ गड़बड़ कर दी क्या? सिक्स आएगा, सिक्स 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 सॉल्व करोगे। एक्स की जगह वन रखोगे तो कितना होगा फंक्शन? हाँ, थ्री टू ज़ा सिक्स होगा ना, ये यहाँ ब्रैकेट लगाए हैं, ये सिक्स, यहाँ भी ब्रैकेट है। थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाती है लिखने में, है ना? आप आपके हिसाब से करोगे तो सही सब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद 24th, इसको हटा दे। हाँ बस यही था अपन, बस क्या है कि लिमिट भी चेक कर रहे हैं। हालांकि देखो वन पे बोला है ना, तो आप तो वन पे निकाल के छुट्टी कर दो क्योंकि तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, इसीलिए दिया है। वन प्लस वन माइनस मैंने आपको सिखाया है, है ना? वन प्लस वन माइनस ऑप्शनल होते हैं, पर एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो वो लिमिट को चेक करे कि एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। जैसे लिमिट एक्स टेंस टू वन बोला है आपको, ठीक है, फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स लेस देन वन और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स ग्रेटर देन वन, ठीक है। आपसे पूछा है कि इस पर लिमिट निकालना है वन की, फाइंड लिमिट एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है और एफ ऑफ एक्स फंक्शन ऐसा दिया हुआ है। अब सीधी सी बात है कि भैया सबसे पहले आपको अगर निकालना है तो लिमिट एग्जिस्ट भी करना चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए तो आप क्या देखोगे, सबसे पहले लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस निकालो, फिर क्या निकालो, लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस निकालो। अभी पहले ये दो निकाल लो, अगर ये दोनों के आंसर सही हैं मतलब बराबर हैं तो फिर तीसरे की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ये दोनों नहीं है बराबर तो फिर अपने को उसकी ज़रूरत निकालने की पड़ेगी नहीं। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम सीधे क्या बोल देंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इधर से आ रहे हैं तो आंसर और कुछ, इधर से आ रहे हैं तो आंसर और कुछ। चलो वन प्लस का मतलब एक से बड़ा कौन सा फंक्शन होगा, नीचे वाला माइनस एक्स स्क्वायर
अच्छा माइनस कहाँ पे लगा है क्वेश्चन, एक बार ठीक से देख लो। माइनस ऐसा लगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, वन माइनस मतलब ऊपर वाला फंक्शन है क्योंकि वन से बराबर या वन से छोटे में ऊपर वाला फंक्शन यूज होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन। अच्छा बराबर के लिए ये फंक्शन यूज हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वन। तीनों में आंसर क्या आ रहा है अलग अलग? इसका आंसर आ रहा है माइनस वन माइनस वन माइनस टू, इसका आंसर आ रहा है वन माइनस वन जीरो, और इसका आंसर आ रहा है जीरो। जाहिर सी बात है ये तीनों आपस में इक्वल नहीं है। आ रहा है पुट करते कि नहीं आएगा? ठीक है ये दोनों इक्वल है ही नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कॉन्साइड कर रही है क्या? नहीं। अब इसको ऑब्जेक्टिव में आपके चार ऑप्शन मिलेंगे, पहला माइनस टू, दूसरा जीरो, तीसरा कुछ और दे देंगे, और चौथा डज नॉट एग्जिस्ट। तीनों जीरो कैसे हो रहा है बेटा? माइनस लगा हुआ है, माइनस वन और माइनस वन, माइनस तो लगा हुआ है, हाँ उसको थोड़ी ना डिस्टर्ब करना है। अरे क्या समझ नहीं आया, ये माइनस तो लगा हुआ है ना, माइनस और ये वन का स्क्वायर और ये माइनस वन, वन का स्क्वायर तो वन ही रहेगा ना, लगना से क्यों जरूरत, माइनस ही दे तो रखा है आपको, ये ऐसा नहीं दिया है ना भाई साहब, माइनस एक्स का स्क्वायर, और ऐसा देते भी तो तुम प्लस ही कर देते ना, वो नहीं ऐसा, मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। चलो क्वेश्चन नंबर 25 के लिए मुझे मॉड फंक्शन बताना पड़ेगा, 20 इसके ये वाला कौन सा था, 24 था ना, ये 24 था। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए एक मॉड फंक्शन बताना पड़ेगा मुझे, देखना पड़ेगा। क्वेश्चन है इवेल्युएट लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है मॉड एक्स बाय एक्स जीरो फॉर एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो और एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है मॉड जब खुलता है तो मैं बता चुका हूं प्लस भी आता है और माइनस भी आता है, इसकी बार बार चर्चा नहीं करूंगा मैं। जैसे अगर मॉड को मैंने खोल दिया तो इसका आंसर क्या आएगा, प्लस माइनस एक्स, मतलब इसका आंसर प्लस एक्स भी हो सकता है और इसका आंसर माइनस एक्स भी हो सकता है। ठीक है चलो अब मुझे किस पे निकालना है, एक्स टेंस टू जीरो, तो जीरो पे पहले मैं किस पे निकालूंगा, जीरो प्लस जीरो माइनस और लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। ठीक है जीरो प्लस, अब आपको ऊपर कुछ पता नहीं चल रहा है दोस्तों कौन सा फंक्शन यूज करें, जीरो प्लस का मतलब क्या नंबर पॉजिटिव होता है कि बस इतना बता दो, जीरो प्लस का मतलब नंबर पॉजिटिव होता है ना, जीरो से जस्ट बाहर कूद गया मतलब पॉजिटिव, भले कितना भी छोटा नंबर हो। अच्छा पॉजिटिव नंबर है तो प्लस एक्स हुआ कि माइनस एक्स, प्लस एक्स हुआ कि माइनस एक्स, प्लस एक्स हुआ क्योंकि मॉड जब छूटेगा तो मैं क्या करूंगा प्लस एक्स रखूंगा वहां पे, जीरो प्लस के लिए एक मॉड एक्स क्या रहेगा, मॉड आजाद हो जाएगा और क्या होगा प्लस एक्स अपॉन में कितना एक्स, मॉड ओपन करेंगे, मॉड ओपन होता है तो प्लस और माइनस आता है, प्लस कब आता है जब वो वैल्यू वन से जीरो से बड़ा होता है, और माइनस कब आता है जब वो वैल्यू जीरो से छोटा होता है, और जब मॉड लगता है तो वो आंसर हमेशा क्या कर देता है पॉजिटिव कर देता है, पर मॉड के अंदर तो वैल्यू प्लस माइनस आ सकती है ना, तो ये अंदर की वैल्यू है, क्या बात समझ में आ रही है, मॉड के अंदर तो प्लस भी है और
माइनस बी है, आप उसको ऐसा मत समझे सर मॉड की वैल्यू तो प्लस होती है, बच्चों में यही कंफ्यूजन रहता है कि मॉड का आंसर तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये तो मुझे समझ में आ गया आपने प्लस एक्स लिखा, पर अगले में मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सर आपने ये माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यों लगा दिया, बताओ क्यों लगा दिया? क्योंकि जीरो से छोटा है, मतलब जो x है वो जीरो से छोटा है, तो मॉड के अंदर जो वैल्यू थी वो क्या थी? नेगेटिव थी, ठीक है, इसके अंदर जो वैल्यू थी वो छोटी थी। अब यहाँ से देखो x और x कट के आंसर कितना आ रहा है, वन, इधर से कट के कितना आ रहा है, अब ये दोनों ही बराबर नहीं, तो तीसरा निकाल के मैं क्या कर लूंगा? हालांकि तीसरे का आंसर उसने जब x इज इक्वल टू जीरो है तो जीरो है, इसका आंसर कितना है? जीरो आ रहा है डायरेक्ट। तो देखा जाए तो तीनों अलग तो देखना नहीं है अपने को, मेन किसको देखना है? ये दोनों, अगर ये दोनों बराबर है तो फिर तीसरे पे आएंगे तो हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इज इक्वल टू देयर फोर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 26 खुद से करके बताओ, आसान है। फाइंड लिमिट x टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है आपको कितना, मॉड x बाय एक्स, x नॉट इज इक्वल टू जीरो और वैल्यू जीरो, फॉर x इज इक्वल टू जीरो कॉमा लगा के, फिर से वही करना है आपको, लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस निकालना है, हाँ तो डज नॉट एग्जिट आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो निकालना है, ठीक है। माइनस वन और वन आ रहा होगा इसमें, अब क्या आ रहा है? x जीरो से छोटा है तो अब यहाँ दिख ही रहा है, x माइनस x ले लोगे ये माइनस वन, जीरो प्लस x अपॉन x जीरो से बड़ा है तो प्लस x, x और x कितना है प्लस वन, और ये वैल्यू तो कितनी है जीरो। हालांकि ये लेफ्ट हैंड लिमिट एल एच एल इज नॉट इज इक्वल टू आर एच एल, देयर फोर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, कितने बचे? हाँ अभी तो करते जाओ, सारे क्वेश्चन इजी है अब इसके। क्वेश्चन नंबर 27, क्या करना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस फाइव फाइंड करना है। यहाँ अटकोगे तुम, देखना है लिमिट x टेंस टू कितनी है, पाँच प्लस निकालना है, लिमिट x टेंस टू कितनी निकालनी है, पाँच माइनस निकालना है, और लिमिट x टेंस टू पाँच निकालना है, ठीक है। अब पाँच प्लस में तुम बोलोगे सर पॉजिटिव होता है, पाँच प्लस पाँच एक नंबर है, x कितना है पाँच, पाँच प्लस फाइव पॉइंट समथिंग कुछ होता है, तो फाइव पॉइंट समथिंग आंसर क्या आता है, पॉजिटिव ही आ रहा है, मतलब यहाँ पे कितना आएगा सीधे से फंक्शन क्या बनेगा, एक्स माइनस, इसको फंक्शन के हिसाब से करोगे, एक्चुअली यहाँ पे लिमिट जीरो नहीं है, पहले ही बता रहा हूँ, जीरो से जब उधर जाते थे तो नंबर प्लस होता था और जीरो से इधर आते थे तो नंबर माइनस होता, पर पाँच के उधर जाते तो भी प्लस, पाँच के इधर जाते तो भी माइनस, तो भी प्लस नहीं आया, थोड़ा सा नज़दीक जाना है। बोले कि सर मैं तो बहुत दूर चला गया था, वहाँ तो माइनस आएगा ही, टेंड का मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा इधर तनिक सा, मतलब दोनों ही केस में आंसर क्या है पॉजिटिव, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, अब डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ कितना, पाँच माइनस पाँच कितना जीरो, और इसका भी कितना होगा, इसका भी कितना होगा, ये समझ में आया नहीं होगा तुमको, तुमने तुम्हारे दिमाग में ये सोच लिया होगा अब तो मैं कर लूँगा,
पहले एक बोलूंगा 5 माइनस 5, फिर बोलूंगा माइनस 5 माइनस 5, इसका आंसर 0 बोलूंगा, इसका माइनस 10, और सबसे पहले मैं ही आंसर बोलूंगा। अरे बस समझ में, तो ये बेटा 5 है, 0 नहीं है। 0 के बाजू में पॉजिटिव हो जाता और 0 के लेफ्ट में नेगेटिव हो जाता नंबर, इसीलिए 5 के उधर और 5 के इधर नंबर पॉजिटिव ही है, इसीलिए मॉड का आंसर दोनों ही केस में 5-5 ही है। क्यों? क्योंकि x कितना टेंस टू दिया है, 5। नहीं समझे? अच्छा यही आंसर ऐसा क्वेश्चन ये पूछता तो इसका बताओ क्या था, 0 प्लस का, 0 माइनस का क्या था? अभी दो का ही बता दो, इसका छोड़ दो। 0 प्लस का, 0 माइनस का क्या था? 0 प्लस मतलब 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा मतलब x की 0 पॉजिटिव वैल्यू कुछ भी होगी, है ना? तो ये माइनस 5 आ जाता है ना, और ये वैल्यू क्या होता है, 0 से छोटा, 0 से कितना छोटा, तो वैल्यू नेगेटिव आती। परंतु आप x की जगह क्या रखोगे, 0 रखोगे, तो अल्टीमेटली वो तो 0 ही हो जाएगा, इसीलिए वैल्यू के आंसर में फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो भी आंसर कितना आ रहा है, माइनस 5 और माइनस 5, ठीक है। हाँ इस केस में अपॉन में एक्स है तो फिर दिक्कत कर रहा है वो। चलो क्वेश्चन नंबर 28 क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स फोर बी माइनस ए एक्स, एक्स लेस देन 1, x इज इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन 1, ठीक है। आपको गिवन है, गिवन लिमिट x टेंस टू 1, f ऑफ x का आंसर किसके बराबर है, f ऑफ 1 के बराबर है। फाइंड a एंड b, a और b क्या करना है, फाइंड करना है। वो तो क्या आज के लिए काफी है, नहीं, आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है, चलो किस पे निकालना है आपको, लिमिट क्या दे रखी है, लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x का वैल्यू किसकी किसके बराबर है, f ऑफ 1 के बराबर। अच्छा f ऑफ 1 तो निकाल ले पहले, कितना होगा f ऑफ 1, 4 है, मतलब जब फंक्शन x की वैल्यू 1 है तो वैल्यू कितनी है, 4 है, मतलब आपको क्या गिवन है अल्टीमेटली कि लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x का आंसर कितना दे रखा है, 4। अच्छा लिमिट x टेंड्स टू 1 को लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस का आंसर क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस का आंसर भी कितने के बराबर होगा, 4 के बराबर होगा कि नहीं होगा, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो है। नहीं समझे, इस बार आपको इक्वल टू में लिमिट दे रखी है और लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो 1 प्लस 1 माइनस के आंसर्स क्या होंगे, बराबर होंगे। 1 प्लस मतलब कौन सा, 4 के बराबर होगा, 1 प्लस मतलब कौन सा फंक्शन, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस मतलब कौन सा फंक्शन, ये एक मतलब ऐसा देगा, ये आएगा b माइनस ax इज इक्वल टू 4 हो जाएगा कि नहीं, और x की जगह क्या रखना, 1, तो इक्वेशन हो जाएगी b माइनस a बराबर 4, आया कि नहीं, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देना। 1 माइनस मतलब कौन सा फंक्शन, ऊपर वाला, तो बताओ लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस a प्लस बी एक्स होगा, इसकी वैल्यू भी 4 होगी कि नहीं होगी, x की जगह 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा, a प्लस बी बराबर 4, इसको इक्वेशन नंबर 2 है। फटाफट से इसको सॉल्व करके बताओ, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से, और a और b के नंबर पाओ, आया समझ में, प्लग क्लियर हुआ, आदित्य आ गया तुम्हें, a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 4 आना चाहिए।
ए जीरो और बी फोर। अब इसको एलिमिनेशन करना मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ऐसा तो दिख रहा है मुझे, दोनों को जोड़ दोगे तो ए और ए कैंसिल हो जाएगा, टू बी इज इक्वल टू एट, टू बी इज इक्वल टू एट मतलब बी इज इक्वल टू फोर, और दोनों को माइनस कर दोगे तो चार से चार जीरो हो जाएगा, तो डायरेक्ट जीरो आंसर आ जाएगा, कुछ बचेगा नहीं इज इक्वल टू में। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर लेंगे थोड़ा सा। 29 आप करके देखना, 29, 30, 31 और 32 थोड़े से बड़े क्वेश्चन है ये। ठीक है,